हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं महफूज खान आपको अपने चैनल खान टेक्नोलॉजी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही बड़ी चीज बताने वाला हूं, जो कि आपने देखा होगा ओप्पो फाइंड एक्स का जो लॉन्च हुआ है यहां पर, कि वो थोड़ा बहुत ही बड़ा उसका फेल हो चुका है यहाँ पर, कि इतना खास फोन नहीं है। आप खरीदने से पहले ये पूरी वीडियो देख लें कि कैसा क्या फोन है, मैं उसके बारे में पूरी चीज बताने वाला हूँ, एक एक चीज आपके मीन ओप्पो फाइंड एक्स ऐसे फेल हुआ, क्या हुआ उसमें, कैसे क्या नहीं। तो चलिए इस वीडियो को अपन स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पहले सबसे पहले जो नए देख रहे हैं मेरी वीडियोस को मेरे चैनल में, तो प्लीज लाइक करें मेरी वीडियोस को, कमेंट करके जरूर बताएं नीचे कैसी वीडियो है या फिर इम्प्रूव करने की जरूरत है मुझे, तो प्लीज जरूर कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी वीडियोस का। तो यहाँ पर जो मैंने बताया आपको, मैं आज बात करने वाला हूँ ओप्पो फाइंड एक्स के बारे में। यहाँ पर फ्रेंड्स मीन्स ये इतना महंगा फोन और जो एलिवेटिंग यहाँ पर जो कैमरा दिया गया है, एलिवेटर यहाँ पर कैमरा आपको जो मिला है आगे का भी और पीछे का भी, सबसे मीन्स यहाँ पर उसका फेल हो चुका है। आपको अगर देखना है उसकी पूरी वीडियो मीन्स यहाँ पर कैसे फेल हुआ है, तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा जेरी रिक एवरीथिंग के चैनल में। यहाँ पर आपको वो जो वो है उस चैनल में आपको ओप्पो फाइंड एक्स का एक एक चीज डिटेल में बताया गया है कैसे फेल हो चुका है। मैं आपको इसमें ही बता रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको टॉकिंग वे में बता रहा हूँ, आपको मीन्स यहाँ पर फेस टू फेस बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी डिवाइस है नहीं कि मैं डिवाइस आपको यूज करके बताऊं, और वो भी बहुत महंगा डिवाइस है। इससे खरीदने से पहले प्लीज आप इसकी जानकारी हर जगह से ले लें, ओप्पो फाइंड एक्स कैसा है क्या नहीं है। चलो अब ये मानते हैं कि उसमें कुछ नया फीचर्स दिया गया है कि यहाँ पर आपको मतलब पॉपअप होते हैं कैमरे आगे पीछे दोनों के, लेकिन और फुल यहाँ पर फुल मीन्स फुल बेजल जैसा आपको यहाँ पर फोन मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप फोन जो नॉर्मली आपको फोन मिलते हैं वो आप अगर हल्का सा ही बेंड करते हैं तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें ओप्पो फाइंड एक्स में क्या है, अगर आप बेंड कर देते हैं तो वो फोन तुरंत आपका टूट जाएगा, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, बैक ग्लास टूट जाएगा, आगे की स्क्रीन खराब हो जाएगी, मीन्स यहाँ पर वाइट वाइट हो जाएगा स्क्रीन में, कोई मतलब का वो फोन नहीं है। फ्रेंड्स प्लीज पैसे वेस्ट करने से पहले आप ये वीडियोस जरूर देखें, बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे अवेलेबल ओप्पो फाइंड एक्स के बारे में। और सबसे पहले जाके आप जेरी रिक एवरीथिंग के चैनल में जाके आप वो वीडियो देखें, ओप्पो फाइंड एक्स ड्यूरेबिलिटी टेस्ट आपको वो मिल जाएगी। यहाँ पर उन्होंने जो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट किया वो भी फेल हो चुका है। सबसे पहले बर्निंग टेस्ट में फेल हो चुका है, स्क्रैच टेस्ट में पास, मतलब जो स्क्रीन की जो रहती है वो और सारे फोन में सेम है, और जो बर्निंग होती है जो स्क्रीन एलसीडी जो उसकी मीन जो यहाँ पर है जो स्क्रीन है उसको बर्न करके देखा गया है, लेकिन जब भी वो फेल हो चुकी है वो वाली स्क्रीन, बाकी और कोई फोन के वैसे हुआ नहीं है, बहुत कम होता है। और यहाँ पर जो कैमरे की बात की गई है तो वो थोड़ा अगर आप बहुत बार मीन्स आप यहाँ पर 200-300 बार अगर एक दिन में आप उसको खोलते ऊपर है तो वो थोड़ा मीन्स कमजोर हो सकता है। और सबसे और यहाँ पर की बैंड टेस्ट जो उसको उन्होंने किया था, बैंड टेस्ट किया है कम से कम ऐसे इतना मेरे मान के चले वो थोड़ा मोड़े हैं, ज्यादा नहीं। अब क्या करते हैं अपन, जो आपने देखा होगा वीवो यहाँ नेक्स हो गया ये सब जो मीन्स यहाँ पर इस रेंज में जो आते हैं आईफोन ये सब सैमसंग के, अगर वो बैंड भी करते तो वो आपको वापस ऐसे मिल कुछ भी नहीं हो सकता है उसमें। और यहाँ पर ओप्पो फाइंड एक्स में बैंड हो चुका है, मीन्स उसका बैक पैनल जो ग्लास होता है, मैं जैसे आपको ये यहाँ पर ओप्पो का है ये फोन, मीन्स मान लीजिए और ये जो इसका बैक ग्लास पैनल है ये पूरा ब्रोक हो चुका है, मीन्स यहाँ पर टूट चुका है वो, और जो आगे की डिस्प्ले है इस फोन में मीन्स उस फोन में तो वो भी पूरी ब्लैंक मीन्स व्हाइट कलर में आ जाती है, पूरी बैंड हो जाती है, टूट जाती है अंदर से। और उसका बैक ग्लास आप अगर अपने हाथों से निकाल सकते हैं, आपने अगर बैंड कर दिया क्या है, कभी कभी आप होश नहीं मीन्स कभी कभी आप गलती से भी उसके ऊपर बैठ जाते हैं या फिर कहीं से बैंड हो जाता है, मीन्स वो फोन खतरे का है। खतरे का मीन्स यार पैसे डूब गए, वही तो बड़ा का सबसे खतरा हुआ कि आपके इतने ज्यादा पैसे इस सड़े से फोन में डूब गए। अगर फोन निकालना ही था तो थोड़ी मजबूती दे देते उसमें कि अगर बैंड भी करे तो सहले वो फोन सहले। आप अगर वीवो नेक्स के और उनका देखेंगे, उन्हीं के चैनल में आपको जेरी रिक एवरीथिंग के चैनल में ही आपको वीवो नेक्स का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट मिल जाएगा। उन्होंने बैंड भी किया उस कैमरे जो पॉपअप कैमरा है उसका, उसको भी उन्होंने बैंड किया लेकिन वो सक्सेस रहा ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में। तो फ्रेंड्स सबसे मेरा यही ओपिनियन है कि आप ना ही खरीदे ओप्पो फाइंड एक्स, क्योंकि यार
वेस्ट ऑफ मनी है और ओप्पो भी इतना वो नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको ये थोड़ा पता चल गया होगा कि ओप्पो फाइंड एक्स क्यों नहीं खरीदना है, और उनके चैनल जरूर विजिट करें जरियर एक एवरीथिंग के चैनल में, जिससे आपको पूरे एक एक चीज डिटेल में मिल जाएगी, आपको सिर्फ आपको दिखा भी देंगे टेस्ट करके दे उसमें वीडियो में है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज कोई सी भी गड़बड़ हुई है इस वीडियो में प्लीज कमेंट कर जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टाटा।